सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द बेस्ट कार्स अंडर 10 लाख रुपीज़। अगर आपका बजट 10 लाख रुपीज़ तक है तो ऑप्शंस तो काफ़ी सारे होते हैं यार, बट सबसे बेस्ट एंड सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार कौन सी होगी आपके लिए, वो आज की इस वीडियो में आपको पता लग जाने वाला है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि गाइस अगर आपका बजट 10 लाख रुपीज़ तक है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सेगमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ऑब्वियसली आपको हैचबैक तो देखने को मिल ही जाएगा, एस वेल एस आपको प्रीमियम हैचबैक्स, कॉम्पैक्ट सेडान्स एंड कॉम्पैक्ट एसयूवीज भी देखने को मिल रही होंगी। एस वेल एस एक एमयूवी भी है, अगर आपको 7 सीटर कार चाहिए ही है इस बजट रेंज में तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट डिपेंड आपकी नीड्स के ऊपर करता है, आपको कौन सी कार चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग कार ले लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो भी कार लेंगे वो एक रियल डील होगी, एक रियल परचेस होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी लगने वाली है। एंड इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम कार्स को रैंक नहीं कर रहे होंगे 1 to 5 या 5 to 1 सबसे बेस्ट कौन सी होगी, वो डिपेंड करता है आपकी नीड्स के ऊपर टोटली। एंड इसी वजह से हम हर एक सेगमेंट को लेंगे, उस सेगमेंट में सबसे बेस्ट कार कौन सी हो सकती है आपके लिए उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सबफोमीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आई गेस काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी होती हैं। एंड जी हाँ, 10 लाख के नीचे आपको देखने को मिल जाएंगी। ऑब्वियसली सिर्फ उनके बेस मॉडल ही देखने को मिल रहे होंगे, बट आई गेस वो ही सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होते हैं। तो इस सेगमेंट में जो सबसे पहली मेरी रिकमेंडेशन होगी एंड पर्सनल चॉइस भी होगी, मारुति सुजुकी ब्रेजा LXi। जी हाँ गाइस, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है ये। एंड इसका एक्सशोरूम प्राइस के बारे में बात की जाए तो जो कि है 8.29 लाख रुपीज़। एंड हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं इसमें हमें कोई भी फीचर नहीं देखने को मिलेंगे, ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे, बट आप आफ्टर मार्केट इसमें लगवा सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी सौदा होगा आपके लिए। इसमें आपको 1.5 लीटर का इंजन देखने को मिल जाता है, K15C सीरीज़ का मारुति का, जो कि पेट्रोल इंजन है, जो कि लगभग आपको 101 BHP की पावर निकल कर देगा एंड 136 Nm का टॉर्क निकल कर दे रहा होगा। एंड कंपनी इसका माइलेज 20 KMPL क्लेम करती है। एंड अब अगर सेकंड रिकमेंडेशन के बारे में बात की जाए तो वो है टाटा नेक्सन। जी हाँ गाइस, उसका भी आपको लगभग उसका भी बेस वेरिएंट ही देखने को मिलेगा, जो कि होने वाला है XC, जिसका एक्सशोरूम प्राइस है 7.80 लाख रुपीज़। उसमें आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा, 3 सिलेंडर, जो कि 118 BHP की पावर निकाल कर देगा एंड 170 Nm का टॉर्क निकाल कर दे रहा होगा। अगर ब्रेजा से कंपेयर करेंगे तो ये इंजन थोड़ा सा नॉइसी होगा, पावर जरूर इसमें ज़्यादा है बट हल्की सी वाइब्रेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। बट जो फेज टू की कार्स आ रही हैं टाटा की, वो लिटरली इंप्रूव हो चुकी हैं। सो गाइस, ये तो थी रिकमेंडेशन मेरी कॉम्पैक्ट एसयूवीज के लिए। एंड फाइनली अब अगर बात की जाए इकलौती 7 सीटर जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको इस सेगमेंट में, जो कि है मारुति सुजुकी अर्टिगा। जी हाँ गाइस, उसका भी सिर्फ आपको LXi ही देखने को मिल रहा होगा, जिसका एक्सशोरूम प्राइस 8.35 लाख रुपीज़। एंड इसमें आपको वही सेम ब्रेजा का 1.5 लीटर का इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि 101 BHP पावर और 136 Nm का टॉर्क निकल कर दे रहा होगा एंड कंपनी इसका माइलेज 20 KMPL क्लेम करती है। सो 10 लाख के अंदर आपको एक प्रैक्टिकल 7 सीटर देखने को मिल जाती है, और क्या ही चाहिए आपको, ऑब्वियसली फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे। एंड ऑल्सो ये काफ़ी ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट भी है, तो कोई भी इशू नहीं होगा, आप ऑब्वियसली अर्टिगा के ऊपर जा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं फेस करेंगे आप। तो ये मेरी रिकमेंडेशन थी अगर आपको एक 7 सीटर कार चाहिए है। एंड नाउ गाइस, अब अगर प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपको 3 कार्स ही जनरली देखने को मिल रही होंगी। पहली है मारुति सुजुकी बलेनो, ह्यूंडई आई20 एंड टाटा अल्ट्रोस। एंड तीनों ही कार्स की सेल्स काफ़ी बढ़िया होती है, बट पर्सनली अगर मैं रिकमेंड करूँगा इस सेगमेंट में तो वो होने वाली है टाटा अल्ट्रोस। यह गाइस, उसका बेस वेरियंट XZ स्टार्ट होता है एक्सशोरूम 6.45 लाख रुपीज़ से एंड जाती है ऑल दी वे 10.40 लाख रुपीज़ तक। एंड काफ़ी जल्द इसका रेसर वेरियंट भी आने वाला है, जिसमें काफ़ी अच्छे चेंजेस भी किए गए हैं। एस वेल एस इसमें अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो 8.5 लाख रुपीज़ में आपको इसमें इसका XMA प्लस DCT ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, तो वो भी काफ़ी बढ़िया डील है। एंड अगर मुझे रैंक करना हो इन तीनों ही कार्स में से, तो सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा मैं टाटा अल्ट्रोस को, फिर ह्यूंडई आई20 को, फिर बलेनो को। एंड काफ़ी सारे लोग पूछेंगे बलेनो क्यों नहीं रिकमेंड की, तो उसमें मेजर इशू है उसकी बिल्ड क्वालिटी। अगर आप सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो नो डाउट आप बलेनो के ऊपर भी जा सकते हो। बाकी मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन होगी वो होने वाली है टाटा अल्ट्रोस। सो गाइस, अब अगर बात की जाए कॉम्पैक्ट सेडान्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 2 काफ़ी बढ़िया ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। पहला है होंडा मेस, जिसका एक्सशोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 6.99 लाख रुपीज़ से, जाता है ऑल दी वे 9.60 लाख रुपीज़ तक। इसमें आपको 1.2 लीटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इंजन ऑप्शन, जो कि 80 BHP की पावर निकाल कर देगा एंड कंपनी इसका माइलेज 18 KMPL क्लेम करती है। एंड अगर आपको होंडा मेस पसंद नहीं आ रही है, तो फिर एक और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है, जो कि है टाटा टिगोर, जिसका एक्सशोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 6.20 लाख रुपीज़ से, जाता है ऑल दी वे 8.90 लाख रुपीज़ तक। इसमें आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि 84 BHP पावर एंड 113 Nm का टॉर्क निकाल कर दे रहा होगा। कंपनी इसका माइलेज 19.28 KMPL क्लेम करती है एंड इसमें आपको
सीएनजी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो पर्सनली स्पीकिंग मैं इन दोनों में से होंडा अमेज के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि मुझे उसके लुक्स काफ़ी बढ़िया लगते हैं। बाकी इन दोनों में से आप किसी के ऊपर भी जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड काफ़ी फिर से मैंने काफ़ी फेमस कार स्किप कर दी है, जो कि है मारुति डिजायर, जिसको ना रिकमेंड करने का काफ़ी सिंपल सा रीज़न है, उसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एंड अगर आप सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इशू है, फिर आप उसके ऊपर जा सकते हैं। एंड अगर आप स्टिक ही करना चाहते हैं मारुति या फिर ह्यूंडई के ऊपर, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑरा के ऊपर जा सकते हैं, एटलीस्ट वो डिज़ायर से तो अच्छी ही है। एंड नाउ गाइस, अब अगर बात की जाए एक नए सेगमेंट की, जो कि है माइक्रो एसयूवी सेगमेंट, जिसमें आपको टाटा पंच देखने को मिल जाएगी, एंड ऑल्सो आप फ्रोंक्स को भी इसमें रख सकते हो। तो फ्रोंक्स का जो प्राइस है वो अभी ऑल्दो अनाउंस नहीं किया गया है, बट वो 7 लाख से ऊपर ही जाएगा बेस वेरिएंट का उसका एक्सशोरूम प्राइस। तो टाटा पंच के बारे में बात की जाए तो ये भी काफ़ी परफेक्ट कार, एक परफेक्ट फैमिली कार है इनफैक्ट आई वुड से। एंड अगर इसके एक्सशोरूम प्राइस के बारे में बात की जाए तो स्टार्ट होता है 6 लाख रुपीज़ से, जाता है ऑल दी वे 9.47 लाख रुपीज़ तक। एंड इस बजट रेंज में आपको इसके काफ़ी सारे वेरियंट्स भी आ जाएंगे, लाइक प्योर एडवेंचर, एंड ऑल्सो आपको इसमें अकम्प्लिस्ड भी देखने को मिल जाएगा। एंड द ओनली नेगेटिव इन दिस कार इज दैट कि इसके नेम में जो पंच है वही आपको इससे नहीं देखने को मिलेगा। इसमें भी वही सेम टियागो टैगोर वाला 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन यूज़ किया जाता है, तो थोड़ी सी अंडर पावर्ड ये कार आपको लग सकती है। बट अगर आप आराम से चलाने वाले बंदे हो तो डेफिनेटली ये कार कोई भी इशू क्रिएट नहीं करेगी आपके लिए, एंड काफ़ी परफेक्ट डिसीजन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसके लुक्स भी आपको काफ़ी तगड़े देखने को मिल जाते हैं, स्पेस में भी कोई भी इशू नहीं होगा, इस वैलेसेस में आप सीएनजी भी आ चुका है, तो एक काफ़ी बढ़िया डील हो सकती है आपके लिए। एंड फाइनली अब एक और सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बचा हुआ है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि अगर आपका 10 लाख तक का बजट है तो आप इसमें जाएंगे, बट काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्हें एक टॉप एंड वेरिएंट चाहिए इस बजट रेंज में, उन्हें बाहर से कुछ भी नहीं छिड़वाना है, तो डेफिनेटली वो हैचबैक के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर आपको टियागो, वैगनार, स्विफ्ट ऐसी कार्स देखने को मिल जाएंगी। तो पर्सनली मैं इस सेगमेंट में जो रिकमेंड करने वाला हूँ वो अगेन टाटा टियागो होगी। सारी ही चीज़ें आपको इसमें सेम देखने को मिलती हैं, एस्टेक और वही सेम इंजन भी है, बट अगर आप 10 लाख तक ले रहे हैं तो इसका आप टॉप एंड वेरिएंट ले रहे होंगे ऑब्वियसली, तो उसमें आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, बाहर से कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड ऑल्सो डुअल टोन फिनिश में इसका पेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली आप टाटा टियागो के ऊपर जा सकते हैं अगर आपको एक हैचबैक चाहिए। पर्सनली आई वुड रिकमेंड कि प्रीमियम हैचबैक के ऊपर ही चले जाइए अगर आपका बजट 10 लाख रुपीज़ तक है, बट होते हैं कई सारे लोग, एंड काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि स्विफ्ट के बारे में मैंने जिक्र क्यों नहीं किया है, तो उसके साथ भी वही इशू है, उसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अगर आप अपनी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो नो डाउट स्विफ्ट के ऊपर भी जा सकते हैं, ओवरऑल उसमें भी कोई इशू नहीं है सिवाय बिल्ड क्वालिटी के अलावा। एंड ऑल्सो गाइस, कुछ एक दो कार्स और हैं जो कि सच में वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड कराती हैं, बट मैंने रिकमेंड नहीं की हैं, जो कि हैं रेनॉल्ट काइगर एंड निसान मैग्नाइट। निसान मैग्नाइट गाइस मैंने इसलिए रिकमेंड नहीं की है क्योंकि उसकी सर्विस अवेलेबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस जो निसान की, वो उतनी खास नहीं है। एंड ऑल्सो गाइस, अगर आप लॉन्ग टर्म वाइज देखें तो पर्सनली मुझे भी वो डिसीजन सेंसिबल नहीं लगता है, बट अगर आपको वो कार पसंद आ रही है तो डेफिनेटली आप मैग्नाइट के ऊपर भी जा सकते हैं, एंड अगर आपको नॉलेज है सारी कार्स का तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। एंड ऑल्सो गाइस, मैंने एक और कार स्किप की है जो कि अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है, जो कि है सिट्रन C3। तो गाइस वो एक ऐसी कार है जो कि काफ़ी सारे लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, बट अगर आपके लिए एक फ़न टू ड्राइव कार चाहिए तो फिर वो कार हो सकता है आपके लिए हो। एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उसके ऊपर ही चले जाइए, बट मैं डेफिनेटली ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार उसके टेस्ट ड्राइव जरूर लेके आइएगा, फिर उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा, हो सकता है कि आपका मन भी चेंज हो जाए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो गाइस, दिस वाज इट, ये वो सारी कार्स थी जो कि आप लोग 10 लाख के अंदर परचेज कर सकते हैं। तो अब आपको किसके ऊपर जाना चाहिए वो टोटली आपकी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इन सारी कार्स में से अंडर 10 लाख रुपीज़ कौन सी कार चूज़ करेंगे। अगर पर्सनली मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो मैं कहीं ना कहीं ब्रेजा या फिर नेक्सन को ही चूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा SUV लेना ज़्यादा सेंसिबल चॉइस लगती है। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।